कीबोर्ड में अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं अपनी कीबोर्ड पे। एंड ये नॉर्मल कीबोर्ड एंड प्लस ये आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इस एंड ऐसे। तो स्वागत है आप सभी का एक और यूज़फुल वीडियो में। इस वीडियो में तुम बताने वाला हूँ, यदि तुम भी चैट करते हो या फिर इंटरफेस चेंज करना चाहते हो अपनी कीबोर्ड का, तो टोटली इसमें तुम कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, काफ़ी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट कैसे आप इस चीज़ को डन करेंगे। एंड इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपकी फ़ोन की सेटिंग पे ही जाना है। जी हाँ, तो आप सेटिंग्स को ओपन करें एंड किसी भी कंपनी का फ़ोन है सभी में अप्लाई हो जाएगी। एंड इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। जी हाँ, तो ये जस्ट हमें पता नहीं था कि कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में ही होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सेटिंग्स को ओपन करो। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जस्ट आप सभी यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इस आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट स्क्रॉल डाउन करें एंड एडिशनल सेटिंग मिलेगी आपके फ़ोन में। अगर आपके फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नहीं है तो वेट करें, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करें। तो यहाँ पे आपको जो इस तरीके से जाओ, बैक करो, सर्च भी कर लो। अगर आपको एडिशनल सेटिंग ना मिले तो यहाँ पे आप लिखो कीबोर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे कीबोर्ड टाइप करेंगे, कीबोर्ड टाइप करने के बाद आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कौन सी एग्जैक्ट वाली आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाती है करंट कीबोर्ड, मैनेज कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पे जो टॉप पे देखने को मिलती है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, इस पर टैप ऑन करना है। ये आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब आपको देखने को मिलती है यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शंस, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको आ जाता है अवेलेबल कीबोर्ड्स, इस पर टैप ऑन करें। एंड यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको करंट कीबोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मे बी ये जो ऑप्शंस हैं आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप सभी चेक कर लेना। आपको टॉप पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर सेंटर में देखने को मिलती है करंट कीबोर्ड, इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे आपका जी बोर्ड सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी सारी जो कीबोर्ड्स आपने इंस्टॉल की होंगी, तो वहाँ पे आपको जी बोर्ड सेलेक्ट करनी है। गूगल बोर्ड ये जो है आपके डिफॉल्ट होती है फ़ोन में, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आती है अवेलेबल कीबोर्ड। इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे जो जी बोर्ड है वही आएगा, ठीक है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैनेज कीबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है जी बोर्ड को इनेबल कर देना है। अगर आपके फ़ोन में जी बोर्ड नहीं इनेबल हो रहा है, अगर आपके फ़ोन में जी बोर्ड शो नहीं करा, तो यहाँ पे जाएं एंड यहाँ पे लिखें जी बोर्ड। जस्ट ये डिफॉल्ट होता है, आप इसको अपडेट कर लें। देखो यहाँ पे जो है ये आपके डिवाइस में ऑलरेडी होती है, आपको कहीं से भी इंस्टॉल नहीं करनी होती है। देखो यहाँ पे सिर्फ अनइंस्टॉल आ रहा है क्योंकि डिफॉल्ट मिलती है आपको, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से आप इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपका काम डन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मैंने बताया दिया करंट कीबोर्ड जो है आपका जी बोर्ड होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आ जाती है अवेलेबल कीबोर्ड, के नीचे आ जाता है मैनेज कीबोर्ड। मैनेज कीबोर्ड में आपका जी बोर्ड जो है इसको इनेबल कर देना, ठीक है। तो आप सभी को जस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है अवेलेबल कीबोर्ड्स में आपका जी बोर्ड होगा, इस पर टैप ऑन करेंगे। एंड यहाँ पे आप जो है थोड़ी सी सेटिंग करनी है, देन आप यहाँ पे किसी फोटो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है थीम्स, थीम्स पे जाएं। और राइट गाइस, तो आप सभी चेक करो यहाँ पे मैंने कितनी सारी फोटोज़ को ऐड करके रखा हुआ है, यहाँ पे तीन फोटोज़ को। एंड यहाँ पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखने को मिलती है माई थीम्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फोटो को चूज़ कर लेता हूँ एंड इस तरीके से, एंड यहाँ से आप जो उस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं जितना पार्ट आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ एंड यहाँ पे आप जो है इसकी ओपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। एंड डन कर दें, ठीक है। डन करने के बाद आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको मैं शो कर देता हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे चेंज हुई या फिर नहीं, देख सकते हैं इस तरीके से चेंज होगी। और अगर आप चाहते हैं कि और भी यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो जस्ट इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सेटिंग्स पे जाओ एंड यहाँ पे और भी आप फोटोज़ को चूज़ कर सकते हैं जो भी आप सही रखना चाहते हैं। एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्री फायर वाले को चूज़ किया था एंड यहाँ पे देखो आप जाते हैं दोबारा से एंड ये देखो, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप काफ़ी सारी मल्टीपल जो है फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं जस्ट सेटिंग में ही आपके ये फ़ोन में। तो इस तरीके से आपको जो है अपने कीबोर्ड में अपना फोटो सेट करना है। आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तुम डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो डिफॉल्ट के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे चले जाओ एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है, ये देखो, ठीक है। इसमें जाने के बाद, थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे तुम डिफॉल्ट भी देखने को मिलती है, ये डिफॉल्ट्स हैं, ये देखो। अब तुम्हें मैं शो कर देता हूँ ये डिफॉल्ट्स है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डन करना है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।